तो आज के व्लॉग में हम गए लाल सुहानरा पार्क, जो कि बावलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाकया है, और आगे की कहानी आप वीडियो में ही देख लें। ओके भाई, तो अभी हम पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत पार्क है। काफ़ी नाम सुनने को मिला, तकरीबन 400 से ज़्यादा हिरन है यहाँ पर। एक पॉजिटिव चीज़ के आगे कोई टिकट नहीं है भाई, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो ये चीज़ें अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या है। भाई अभी मुझे एक सफ़ेद मोर दिखी है, पहली बार देख रहा हूँ मैं पाकिस्तान में सफ़ेद मोर को, और पर भी खोले हुए थे इसने, अभी बंद किए शायद, वीडियो में रिकॉर्ड किया है हमने। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी यूनिक है भाई, पहली बार मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से। भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने मोर एक साथ नहीं देखे कभी भी एक पिंजरे में। हाँ देखे 2-3-4-5, लेकिन इतने सारे वीडियो में शायद नज़र ना आ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और शोर भी भाई सही। सुनो असमत भाई से इस नज़ारे के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। असमत भाई, ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप भी यकीनन पहली बार देख रहे हो, कैसा लग रहा है? यकीनन मैं तो इतने मोर और इतने खूबसूरत मोर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। इतनी अच्छी नस्ल के और मुख्तलिफ कलर के, पाकिस्तान के, इंडिया के, नो डाउट बहुत खूबसूरत पार्क है ये। लाल सुहानरा पार्क के नाम से है ये बावलपुर में। दिल खुश हो गया बहरहाल। ओके, तो ये मेरे पीछे हिरन की जगह है। यहाँ पर हिरन तकरीबन 400-500 हिरन से यहाँ पर मौजूद है, और काफ़ी क्यूट, काफ़ी खूबसूरत है, छोटे बड़े। और एक और ख़ास बात कि इनको लोग बाय भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है हिरन को बाय करना तो यहाँ से वो ख़रीद भी सकता है अगर किसी का शौक हो। असल भाई आप बाय करना चाहोगे कोई हिरन भाई? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं हिरन से, तो ये चीज़ है। यार लाइफ टाइम तजर्बा है और एक खूबसूरत लेक, बहुत मज़ा आ रहा है। अक्सर फिल्मों में ड्रामों में देखा था, लेकिन अल्लाह पाक ने आज ये जो है वो पूरा किया, बहुत मज़ा आया। भाई हमारे पीछे चला रहे हैं, क्योंकि हमें चलानी नहीं आती, वरना खुद चला लेते। ओके, तो अभी हम बोट से उतरे हैं। असमत भाई से पूछते हैं, असमत भाई बोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह लाइफ टाइम तजर्बा था, बहुत मज़ा आया। भाई मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि पहली बार ऐसी बोट में बैठा था। वैसे तो हम बोट में बैठ चुके हैं पहले भी, असमत भाई याद है, लेकिन ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। और था ये झील थी, और झील के दरमियान बोटिंग करना हमने अक्सर जो है वो फिल्मों वगैरह में देखा था, लेकिन आज किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और वजह थी हमारी यहाँ पर आने की, क्योंकि हमें यहाँ पर गेंडा देखना था। ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर यही का गेंडा है, लेकिन यहाँ पर हमें मिला नहीं। वजह असमत भाई बताएंगे? असमत भाई बीमार था तो मर गया, तो ये चीज़ है, काफ़ी अफसोस की बात है। एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जब भी बावलपुर आना हुआ तो सुहानरा नाम का ये पार्क है, बहुत लश पार्क है और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और है भी फ्री में, तो ज़रूर आइएगा। ओके सर, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अभी हमने बावलपुर को बहुत एक्सप्लोर करना है, तो सब्सक्राइब करके रखो आने वाले व्लॉग्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो करो, और फेसबुक के पेज को भी लाइक करो अगर किसी ने नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।